म्यूजिक। मैंने तो धीरे से हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों मैं हूं मनीष सर, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपने स्टार्टिंग में देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह की अट्रैक्टिव स्ट्रेस एडिटिंग अगर आप भी करना चाहते हैं फ्रेंड्स पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। देन हम चलेंगे फोन का स्क्रीन पर ओपन करेंगे काइनमास्टर एप्लीकेशन को, एडिटिंग करेंगे स्टार्ट। तो दोस्तों एडिटिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और दोस्तों इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए एक बार चैनल पे विजिट कीजिए, काफी सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स चलते फोन के स्क्रीन पे, ओपन करते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन को। सो गाइस जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। देन कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो फ्रेंड्स यहाँ क्रिएट न्यू का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर सिंपली आपको टैप कर लेना है। देन 16 नौकर ऐसे सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर टैप कर लेना है। इसके बाद इमेज का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए और फ्रेंड्स यहाँ से एक ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लीजिए। देन इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा लेना, जितना टाइम का आप स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। अब इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, इसका लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, मीडियम जाएगा। फ्रेंड्स जो डाउनलोड आप किए हैं उसमें आपको एक बैकग्राउंड वीडियो मिला होगा, इस वीडियो को आपको सिंपली यहाँ पर ले लेना है। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे आप इस तरह से जूम करके फुल स्क्रीन पे कर लीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्टली सेटअप कर लीजिएगा इस तरह से पूरे स्क्रीन पे। और ये देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, 29 सेकंड का है। वैसे हम नॉर्मली 30 सेकंड तक का स्टेटस बनाना चाहते हैं, तो आप जितना टाइम बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाएगी, यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाइएगा, फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है। और फ्रेंड्स एक टेम्पल का जो मैंने PNG आपको दिया था इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे इस तरह से इसके बराबर में इस तरह से यहाँ पे सेट कीजिएगा इस तरह से, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो परफेक्टली आपको इस तरह से सेटअप कर लेना है, ठीक है। इसके भी लेंथ को आपको लेकर लास्ट तक कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कर दिया। अब इसका स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। सो गाइस मीडियम जाने के बाद आपको फिर से डाउनलोड में जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पे एक ब्रिज का जो PNG मैंने आपको दिया इस ब्रिज को ले लेना है, लकड़ी का ब्रिज है इसे ले लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसे इस सामने यहाँ पे इस तरह से थोड़ा छोटा करेंगे और यहाँ पे इसे सेट कर देंगे, ठीक है। इतना पे इसी तरह से आप परफेक्टली कर लीजिएगा, थोड़ा और छोटा करते हैं और इस तरह से इसे रख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से ये सही लग रहा है, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसे थोड़ा नीचे और कर लेते हैं इस तरह से। अब काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है, देख सकते हैं। अब इसे लेकर इसके लास्ट तक कर लीजिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा इसे इस साइड में कीजिएगा, इधर टेंपल के तरफ आपको कर देना है, इस तरह से सेट कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसके स्टार्टिंग में आइएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे लेयर्स वाले ऑप्शन टैप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है और फिर से यहाँ पे एक पत्थर वाला जो PNG मैंने आपको दिया इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद इसे इस तरह से छोटा कीजिएगा और फिर इसे यहाँ पे इस तरह से सेटअप कर दीजिएगा, थोड़ा और छोटा करते हैं इसे और एकदम से इस तरह से ब्रिज के जस्ट बगल में इसे रख लीजिएगा। अब इसके लेंथ को भी लेकर लास्ट तक कर दीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ब्रिज के जस्ट बगल में कुछ होना चाहिए इसलिए मैंने इसे रखा, तो ये देख सकते हैं अच्छा लग रहा है देखने में। अब यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। मीडियम जाने के बाद फ्रेंड्स एक बर्ड्स वाला जो वीडियो मैंने आपको दिया था वाइट टू पार्ट वाला, तो इसे ले लीजिएगा और इसे इस तरह से जूम करके पूरे स्क्रीन पे कीजिएगा, थोड़ा आगे कर लीजिएगा ताकि बर्ड्स आपको दिखे। और फ्रेंड्स जब बर्ड्स दिखेगा तो इसे ऊपर की तरफ एडजस्ट कर लीजिएगा, काफ़ी नीचे था। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करना है तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये स्काई में आ जाएगा, राइट क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आगे, जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट है, देख सकते हैं अच्छा लग रहा है देखने में। अब इसके स्टार्टिंग में आ जाइए, लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडियम जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है और फ्रेंड्स डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पे मैंने आपको एक वीडियो दिया था लेडिकल्स वीडियो, बट आप कोई और वीडियो भी चाहे तो यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए तब तक के लिए ये वाली वीडियो को मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देन नीचे स्क्रॉल करेंगे, ब्लेंडिंग पे चलेंगे और फ्रेंड्स इसे यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिएगा, थोड़ा सा आगे कीजिएगा ताकि लाइट कल्स आपको दिखे। और फ्रेंड्स लाइट कल्स को एडजस्ट कर लीजिएगा जहाँ पे भी रखना चाहते हैं, तो थोड़ा और छोटा करके मैं यहाँ पे इसे रख देता हूँ। देन राइट क्लिक करेंगे, अब इसके बाद इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा, लेयर्स पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम जाएगा। और फ्रेंड्स जो भी PNG इमेज आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो मेरे पास फोटो रूम में कुछ इमेज है जिसे मैंने डाउनलोड किया था, तो यहाँ पे जो भी इमेज आप रखना चाहते हो उसे रख लीजिएगा। मैंने अपना एक इमेज यहाँ पे रखा था जो वहाँ पे एडजस्टेबल है बैठने के लिए, तो मैं उसी को रख लेता हूँ। देन आप कोई भी रख सकते हैं, जैसे इस तरह की कोई कपल इमेज हो या आपकी इमेज हो तो आप उसे भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं इस तरह से, देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छी तरह से मैं एडजस्ट इसे कर पा रहा हूँ, ये
थोड़ा सा हाथ इसका जो है सो नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे परफेक्टेबल परफेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं सेटअप है ये, और इसके लेंथ को लेकर लास्ट तक कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह का आप कोई भी कपल इमेज यूज़ कर सकते हैं, बट अपना आप अपना इमेज यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि अभी स्टार्टिंग में आपने देखा तो मैंने यहाँ पर अपना इमेज भी यूज़ किया था, जो मैं एक चेयर पर बैठ कर फोटो क्लिक किया था और उसका PNG क्रिएट कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको PNG क्रिएट करने में कोई भी परेशानी होती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियो को देख लीजिएगा। बस एक क्लिक में आप अपना फोटो का जो बैकग्राउंड है रिमूव कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मॉडल इमेज आप यहाँ पर रखना चाहते हैं एडजस्ट कर लीजिएगा इस ब्रिज पे। और फ्रेंड्स, इसके बाद आपको फिर से लेयर्स पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। सो इस डाउनलोड में जाने के बाद ये वाला ट्री का जो इमेज है मैंने आपको दे दिया था, तो इसे इस तरह से परफेक्टली यहाँ पर सेटअप कीजिएगा। इसका ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ाकर आगे कर लीजिएगा, जैसे 30 सेकेंड तक आप बनाते हैं तो इसे 6 सेकेंड तक रख लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और थोड़ा सा आगे कर लीजिएगा इतना, और यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद फ्रेंड्स, इसे एरो पर क्लिक कीजिएगा और इसे जूम करके पूरी तरह से गायब कर दीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर रह रहा है तो इसे भी हम जूम कर देंगे इस तरह से। तो अब देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा, मैं अभी आपको प्ले करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से गायब हो जाएगा। अभी आपको फिर से स्टार्टिंग में आना, लेयर्स पर क्लिक करना है, मीडियम जाना है। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में जाना है, और फ्रेंड्स बम्बू वाला जो PNG मैंने आपको दिया था इसे ले लीजिएगा। इसे थोड़ा सा इस तरह से जूम कीजिएगा और फ्रेंड्स इसे यहाँ पे आपको सेट करना है इस तरह से, और इसको लेंथ को लेकर पूरे लास्ट तक करना है, ठीक है। इसके लेंथ को पूरे लास्ट तक करना है, और फ्रेंड्स लास्ट में आप यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर की क्लिक कीजिएगा, की पे यहाँ पे एक ठो की लगा लीजिएगा लास्ट में। अब इसके फर्स्ट में आ जाइएगा, ठीक है। फर्स्ट में आइएगा और इसे स्क्रॉल करके इस साइड में पूरी तरह से कर दीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हो पूरा गैप ही कर देना है, ठीक है। तो ये पूरा गैप हो गया। अब यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स इस तरह से अभी आपको आएगा, ठीक है। एक ठो ऊपर की तरफ चला जाता है, दूसरा यहाँ पे बम्बू वाला जो है धीरे धीरे से यहाँ पे आता है और इस तरह से लास्ट तक आ जाता है, ठीक है। अब देख सकते हैं काफी अच्छा लग रहा है। अब इसके बाद स्टार्टिंग में आइएगा, लेयर्स पे क्लिक कीजिए, मीडिया पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे फिर से आपको डाउनलोड में जाना है और फ्रेंड्स डॉट व्हाइट डॉट पार्टिकल जो मैंने आपको दिया उसे ले लीजिएगा। फ्रेंड्स ये वाला व्हाइट डॉट पार्टिकल मैंने ले लिया, देन ट्रिमर के बगल में फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके इसे फुल स्क्रीन कीजिएगा, देन ऐसे बैक आ जाइएगा। नीचे स्क्रॉल कीजिए तो ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद इसे स्क्रीन कर देना है। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, अब यहाँ पर यहाँ से बैक आ जाइएगा, स्क्रीन पर टैप कीजिएगा, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप इसे प्ले करके देख सकते हैं, आपकी वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरह से ये वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स अगर आपके पास फुल स्क्रीन वाला स्क्रीन वाला बॉर्डर हो तो आप उसे लगा लीजिएगा, मैंने उसका लिंक आपको दे दिया डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये वीडियो बनकर तैयार हो चुकी है, सिंपली इसे एक्सपायर करेंगे। एक्सपायर करने के लिए ऊपर एक एरो दिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करना, नीचे सेव का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसी तरह की एडिटिंग ट्यूटोरियल के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटे आइकन को जरूर दबाइएगा, ताकि मैं जो भी नेक्स्ट ट्यूटोरियल लेकर आऊँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।